हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं और हमारी शादी को गाइस समथिंग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और इसी के दौरान हमें एक बेबी भी है। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये हमारा बेबी है और ये अभी समथिंग 5 महीने का है और तुम्हारे भाभी की डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से, यानी ऑपरेशन के द्वारा बेबी हुआ था। तो गाइस देखिए, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि राहुल भाई, आपने अपने प्रेगनेंसी की स्टोरी नहीं बताई है अभी तक। वैसे तो हम काफ़ी टाइम बता चुके हैं लेकिन कुछ लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है, सो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। हम अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हमने क्या क्या चीज़ों की परेशानियां सही हैं, कितने लोगों के ताने सुने हैं और प्रेग्नेंट होने के लिए हमने क्या क्या किया और किस चीज़ से लास्ट में जाके हमें सफलता मिली है, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, अपना इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑल पे कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिलते रहें, वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, बात करते हैं अपनी नॉर्मल शादी से। नॉर्मल सभी की शादी होती है, तो जैसे सभी की शादी होती है नॉर्मल, उसी तरीके से हमारी भी शादी हुई थी और हम अपनी शादी के बाद काफ़ी खुश थे। लेकिन शादी के समथिंग 1.5 साल बाद क्या हुआ कि हमें थोड़ी दिक्कत सी होने लगी, क्या कि लोग और घर के और आसपास के लोग हमसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि राहुल भैया, लड़का कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। उसी तरीके से कोयल से भी क्वेश्चन आते हैं कुछ महिलाओं के कि बेबी कब करोगे। तो देखिए, ये हमारे हाथ की बात नहीं थी, बस बात ये थी कि बेबी हो नहीं रहा था। बाकी हम तो चाह रहे थे अपनी तरफ से कि बेबी हो जाए, हम भी खुश हों। देखिए, शादी तभी सफल होती है जब घर में एक नन्ना मुन्ना राई आ जाए, एक छोटा सा बच्चा आ जाए, तो तभी तो एक परिवार की शुरुआत होती है। जब एक परिवार शुरू होगा तो कितने लोग खुश होते हैं, एक बच्चे के पीछे कितने लोगों को खुशी मिलती है। सबसे पहले तो आपके सासू ससुर को मिलेगी, आपके हस्बैंड को मिलेगी, आपको मिलेगी, आपकी मम्मी को मिलेगी, बहुत सारे लोग होते हैं इस खुशी में शामिल। तो ये खुशी पाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, तो काफ़ी मुश्किल रहा। 1.5 साल हमने बहुत सुना लोगों का, बहुत ताने सहे, अंत में आके हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह भी लिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई डॉक्टर कुछ बताता, कोई डॉक्टर कुछ बताता, कुछ लोग नॉर्मल रिपोर्ट बताते। आखिर बात समझ में नहीं आ रही थी कि यार, नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद भी आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है। सो गाइस, हमने ट्रीटमेंट तो काफ़ी लिए लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें ट्रीटमेंट से। तो लास्ट में जाके हमें एक ऐसी लेडी मिली जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती थी, तो हमने सोचा कि एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हमने उन पर ट्रस्ट किया और इनकी दवाई का हमने इस्तेमाल किया। और सो गाइस, हमने उनकी दवाई का इस्तेमाल किया और वो दवाई इतना अच्छे से वर्क किया उसने कि उसी मंथ प्रेगनेंसी रुक गई। यानी हमने 30 दिन दवाई इस्तेमाल की और प्रेगनेंसी हमें रुक जाती है। तो हम लोग काफ़ी खुश थे उस समय पर। और क्या बताऊँ, उस समय की जो खुशी होती है ना गाइस, जब आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना और जब एक वो 2 लाइन आती है ना उसमें, तो उस समय पर जो खुशी होती है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता गाइस। और हम काफ़ी टाइम परेशान हो चुके थे, कई बार हमने टेस्ट किया था लेकिन हर महीने क्या हो रहा था कि सिर्फ एक लाइन। सही बताऊँ तो टेस्ट जब हमने उस दिन भी किया था ना, तो लग रहा था कि शायद यार इस बार हो, तो भगवान ने सुन लिया और उसी दिन प्रेगनेंसी रुक गई। सो गाइस, उन दादी माँ का बहुत ज़्यादा भला हो जिन्होंने हमें ये दवाई दी और हमें सफलता मिली, हमें एक परिवार में बच्चा मिला। सो गाइस, हमारे कहने का मतलब ये भी है कि अगर कोई लेडीज़ है जिसकी शादी को लंबा टाइम हो चुका है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकती हैं, व्हाट्सअप कॉल, और अपने लिए भी देसी दवाई मंगवा सकती हैं अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो। अगर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी लोगों के ताने सुन चुकी हैं, तो आप एक महिला हैं, आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस चीज़ के बारे में। सो गाइस, अगर दवाई मंगाना है तो व्हाट्सएप पे जाओ, मैसेज करो, इन्फॉर्मेशन लो, दवाई कितने की है कैसे भेजेंगे, सब कुछ जानकारी ले लो और अपने लिए दवाई मंगाओ और अपने लिए खुशी खरीदो, बच्चे खरीदो यार। मींस कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चे हैं तो खुशी है और खुशी है तो बच्चे हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और तुम्हारा भाई आज कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।